मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि जो काम फोर्स चैप्टर में मास करता था, मास का मतलब इनर्शिया, वो काम इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। आप मन में सोचो कि आप फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे हो या वर्क एनर्जी पार पढ़ रहे हो और मास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे कि हर क्वेश्चन में मास आना ही आना है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है रोटेशनल मोशन में। अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता या तुम सोचते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ देते हैं, हर न्यूमेरिकल में अगर 500 न्यूमेरिकल करोगे, 500 के 500 रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही आएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अनटच्ड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा, क्योंकि जो काम मास कर रहे हैं वो काम मोमेंट ऑफ एनर्शिया करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया था, एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या किया था, हाफ एम आर स्क्वायर अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहे। रॉड का क्या किया था, एम एल स्क्वायर बाय 12 किया था, 3। फिर हमने क्या किया था, सॉलिड स्फेयर 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर सिलेंडर हाफ एम आर स्क्वायर। फिर हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की थी, यहां से लिखना शुरू करेंगे। और हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी किए थे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थ्योरम्स के ऊपर और एग्जाम्पल्स। जैसे सपोज ये आपके पास एक डिस्क है, ये आपके पास एक डिस्क है जिसका मास एम है और रेडियस आर है। लिखते जाओ प्लीज, मास एम है और रेडियस आर है। इसके अंदर आपके पास ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये रहा एक्सिस। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमने किया था। कोई मुझे ये बताएगा कि इसका एक डायामीटर है, डायामीटर ये रहा। डायामीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, लास्ट टाइम किया था हमने और शॉर्टकट भी किया था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो क्या कहती है कि अगर सेंटर एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर में क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगी, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर सेंट्रल एक्सिस हाफ एम आर स्क्वायर है और डायमीटर के अलावा कितना है, 1/4 एम आर स्क्वायर है। कोई डाउट है इसमें? और ये मैंने प्रूफ करवाया था लास्ट टाइम जाते हुए डायमीटर का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। क्वेश्चन है, मैंने एक और एक्सिस लिया, ये मेरा एक्सिस है जो कि इस डिस्क के साथ कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ टेंजेंट, टेंजेंट एज के ऊपर टेंजेंट है। तो मैं इनके ऊपर क्या लगा सकता हूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो क्या कहती है कि आई का फॉर्मूला इसके अबाउट क्या होगा, ये हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा प्लस एम आर स्क्वायर भी होगा, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो अगर आपका टेंजेंट ऐसे है तो आपका आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो नोट कर लें, ये सेम डिस्क है, सेम डिस्क है और ये इसका एक्सिस है। इस एक्सिस पे अभी अभी आपने बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, डायमीटर के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर। ये बात हुई थी अभी, इसके अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर है। अब सपोज करो आपका जो टेंजेंट है, आपका टेंजेंट ऐसा है। देखो टेंजेंट ना दो होते हैं और तुम टेंजेंट के अंदर कंफ्यूज भी हो सकते हो। टेंजेंट डिस्क का ऐसा, जो टेंजेंट है वो डिस्क का ऐसा भी हो सकता है, ये देखो ऐसा भी हो सकता है और टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है। अभी तो डिपेंड करता है, टेंजेंट तो ये भी है, टेंजेंट ये भी। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, टेंजेंट पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस है तो ये है, टेंजेंट पैरेलल टू डायामीटर है तो ये है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, टेंजेंट किसके पैरेलल है ये देखना पड़ेगा, अगर डायामीटर के पैरेलल है तो ये है, सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है तो ये है। कोई डाउट इसमें?
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बस टेंजेंट है, फिर कौन सा लेंगे? ये लेंगे फर्स्ट ऑप्शन कि ये लेंगे सेकंड ऑप्शन? ये लेंगे फर्स्ट ऑप्शन कि सेकंड? बोलो क्या करोगे न्यूमेरिकल में अगर मेंशन नहीं है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड, क्योंकि ये एक्चुअल टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल फोर्स। हम कभी लगाते हैं टेंजेंशियल फोर्स ऐसे, हम ऐसे लगाते हैं, ये टेंजेंट है एक्चुअल में, मैथ का टेंजेंट ये है। ठीक, चलो तो इसमें बताओ आंसर क्या होगा। अब थ्योरम ऑफ क्या लगेगी? पैरेलल एक्सेस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस में ये आर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ऊपर? तो इसमें आई का जो फॉर्मूला बनेगा इसके अलोंग 1/4 एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 5/4 एम आर स्क्वायर होगा। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? 5/4 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर देखना पड़ेगा टेंजेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? फिर करते हैं। सपोज आपके पास एक रिंग है, रिंग है, रिंग का अगर एक्सिस सेंटर से पास होता है तो इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अगर रिंग का टेंजेंट एस है तो इसके अबाउट, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। तो इसके अबाउट आंसर क्या होगा? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी? 2 एम आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, रिंग, ये फिर से एक रिंग है, इस रिंग का ये डायामीटर है, ये रहा, इस डायामीटर में फॉर्मूला क्या है? 1/2 एम आर स्क्वायर। रिंग के डायामीटर में फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर। अपनी कॉपी चेक कर लो, एग्जैक्टली यही है। कोई डाउट इसमें? और अगर एक्सिस इसके पैरेलल है, ये लो, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या बनेगी? 3/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो मैंने क्या शॉर्टकट करवाया था कि अगर सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर में वैल्यू हाफ हो जाती है 1/2 एम आर स्क्वायर। ये शॉर्टकट था। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर एक्सिस टेंजेंट कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसको आना ही है, हर हालत में इसे आना ही आना है, और तो बेस है रोटेशनल का, तो ये तो हमने किसी भी हालत में इसकी मास्टरी कर लेनी है। तो आज का लेक्चर एनसीईआरटी का लेक्चर है, आज का लेक्चर एनसीईआरटी के क्वेश्चन का लेक्चर है, आज यहाँ पर क्लोज करेंगे। अगली बार कंपटीशन लेवल लेक्चर है, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेन लगेगा आपका और ट्रिकी प्रॉब्लम्स होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आज कोई ट्रिकी प्रॉब्लम नहीं है, आज नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। तो दो पार्ट में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड किया हुआ है, आई होप सही है ना? तो एकदम एक अलग करेंगे, एक अलग करेंगे, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट बोलो आंसर। सपोज करो आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ये रहा आपका सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का अगर एक्सिस ये है तो आई क्या था? 2/5 एम आर स्क्वायर। ये लो, ये इसका रेडियस आर है और मास इसका एम है। अगर मैं इसका डायमीटर लूं, आंसर आई का क्या होगा बोलो? 2/ कितने लोग बोलते हैं? 2/10 एम आर स्क्वायर। गलत,
क्योंकि सॉलिड स्फीयर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, यही तो इसका डायमीटर है, यही सेंट्रल एक्सिस है, यही डायमीटर है। सॉलिड स्फीयर में कहीं से भी एंटर करवा दो एक एक्सिस, वही सेंट्रल है, वही डायमीटर है, ये दो अलग चीज़ें है ही नहीं। तो जल्दबाजी मत करना, तुम एक्सिस ये ले लो, तुम एक्सिस ये ले लो, तुम एक्सिस ये ले लो, कुछ भी ले लो, इसका आंसर तो 2/5 mr² होगा ही होगा, सही है? तो इसे नोट कर ले, स्फीयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्फीयर पे मत लगा देना, रिंग और डिस्क पे लगाना और कहीं मत लगाना। हाँ, लेमिना होना चाहिए, लेमिना का मतलब 2D बॉडी पे लगाना, हाफ वाला कॉन्सेप्ट 3D पे मत लगाना, सही है? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें 2/5 mr² है, और अगर आपका एक्सिस ये रहा, ये आपका एक्सिस है, यानी कि मैंने थोड़ा टेंजेंट ले लिया, ये लो, ये आपका एक्सिस टेंजेंट है, टेंजेंट तो लगेगा, इनमें डिस्टेंस कितना है r, तो बोलो I का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, 2/5 mr² + mr², तो I की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 7/5 mr², क्लियर है? तो केस बना सकते हो, राइट? डाउट इसमें? मेथड क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। एक थिन रॉड है, बहुत यूज होता है, एक थिन रॉड है, बहुत पतली रॉड है ये, और हमने किया भी हुआ है, अगर एक्सिस यहां से पास करता है थिन रॉड के, सच दैट इस थिन रॉड का मास m है और लेंथ इसकी l है, तो अगर ये एक्सिस है तो बोलो I का फॉर्मूला क्या था, ml² / 12, ऐसे किया था, याद करो, ml² / 12 हमने किया था। कोई डाउट इसमें? तो रॉड का ये फॉर्मूला है, पर अगर मैं इसका एक्सिस ये कर दूं, ये रहा इसका एक्सिस, ये ले, तो इसमें ये कितने हैं, l/2। आई का फॉर्मूला ml² / 12 + m(l/2)² थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ऐड करो आंसर क्या आएगा, ml² / 3, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर रॉड का एक्सिस टेंजेंट है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ml² / 3। ठीक है यहां तक?
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपकी रॉड ऐसी है, ये लो, अगर आपकी रॉड ऐसी है तो इस केस में थिन रॉड है ये भी, और एक्सिस इसके बीच में से लाई करता है ऐसे, तो बोलो आई का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? ये रैक्स बीच में से पास कर रहा है, रॉड भी मोटी बन गई थोड़ी सी, रॉड भी बस यही रॉड है और यही इसका एक्सिस है, ये लो गैप तो है ही नहीं ना, यही रॉड है और यही एक्सिस है, आंसर क्या होगा? जीरो। लैमिना तो शीट होती है, ये लैमिना नहीं है, ये तो वन डी बॉडी है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है और रॉड का एक्सिस भी इसके बीच में से ऐसे ही पास हो रहा है ऐसे, तो आई क्या होगा बोलो यहां पे? ना क्या होगा बोलो? अच्छा ये बताओ, जो तुम इसमें डीएम 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 मासेस लोगे उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जीरो है ही नहीं, सारा मास तो एक्सिस पे लेटा पड़ा है। एक्सिस से दूरी कितनी है मास की? दूरी तो है ही नहीं, क्योंकि लेंथ वाइज फिगर है, एरिया वाइज वॉल्यूम वाइज तो है ही नहीं, सारा मास m1 m2 m3 एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ है, तो एक्सिस से उसकी दूरी क्या है? जीरो। तो i की वैल्यू क्या है? जीरो। किसी पॉइंट मास का एक्सिस से डिस्टेंस ही नहीं बनेगा, तो थिन रॉड का अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो i क्या लिया जाएगा? जीरो। अब इसके तीन फॉर्मूले हो गए, अगर एक्सिस सेंटर है एम एल स्क्वायर बाय 12, अगर टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाय 3, अगर एक्सिस बीच में से निकल गया तो जीरो। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मान लो चलो मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है ये ग्राउंड है, ये एक थिन रॉड है, ये रही थिन रॉड, और ये इस पॉइंट से हिंज्ड है, हिंज समझते हो, पेच लगा दिया, तो रॉड घूम सकती है पर ये पॉइंट छोड़ नहीं सकती। तो मान लो आपकी रॉड गिर गई नीचे, ये लो ये आपकी रॉड नीचे गिर गई और कुछ ऐसे गिर गई, ऐसे गिर गई, क्लियर है यहां तक? रॉड नीचे गिर गई, अब एक्सिस क्या है रॉड का घूमने का? ये रहा, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, एक्सिस कोना हो गया, इस कोने के अबाउट रॉड घूमेगी, तो ये इसका एक्सिस है, बोलो इस रॉड का इस एक्सिस पे आई क्या लेंगे? जीरो क्यों लेंगे? पूरा मास ही मास है। हाँ बोलो क्या लेंगे? एम एल स्क्वायर बाय 3। आप क्या बोल रहे हो? एम एल स्क्वायर बाय 12। एम एल स्क्वायर बाय 12 तब होता है जब एक्सिस सेंटर में होता है रॉड का और दोनों पॉइंट फ्री टू मूव हैं। अब ये क्या है? ये केस ऐसा है, ये इसका एक्सिस कैसे है? वो पॉइंट है, इमेजिन करो एक्सिस कैसे पास करेगा ओ पॉइंट और इस बोर्ड के अंदर, इमेजिनरी एक्सिस कैसा होगा? बोर्ड के इनसाइड ऐसा एक्सिस होगा, है ना, ऐसे की तरफ एक्सिस होगा, हो गया इमेजिन। तो ये रॉड है और एक्सिस ऐसा है, ये पेन, अब ये पेन एक्सिस है इसका, ये ना टेंजेंट नहीं है, डायग्राम को अगर ऐसे की बजाय ऐसे दिखा दूं तो इस पेन के लिए क्या है ये एक्सिस? टेंजेंट है, एम एल स्क्वायर बाय 3 आंसर है, क्योंकि टेंजेंट एक्सिस है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि आपकी फिगर ऐसी दिख रही है आपको, ये देखो आपको ना बस ये दिख रहा है, ये फिगर है, क्योंकि आपको ये पॉइंट दिख रहा है बस, ओ ठीक है। लेकिन फिगर अगर ऐसे ड्रॉ करें, बात तो एक ही है, तो ये पेन क्या दिख रहा है? टेंजेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? आई का फॉर्मूला ये टेंजेंट होगा, इसके अंदर घुसा हुआ है एम एल स्क्वायर बाय क्या माना जाएगा? 3। तो जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो एम एल स्क्वायर बाय 3।
क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? एम एस स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है। इमेजिन करो आपके पास फिगर अब ऐसी है, ये थिन रॉड है, इस रॉड को ये रॉड का अगर एक्सिस ऐसे है। अब ये कैसा एक्सिस है? ये रॉड का एक्सिस बोर्ड के अंदर जा रहा है, ओ पॉइंट में बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो। तो बोलो आई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिया जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 ऑब्वियसली। वो कैसे? जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ऐसे ही डायग्राम दिखाऊं आपको एक्सेस का, ऐसा दिखा दिया, एक ही बात है। ऐसे दिखाओगे तो ये पॉइंट आपको सिर्फ ये एंड नज़र आएगा, पूरा एक्सेस नज़र नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड के अंदर है, ऐसे नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसे एम एल स्क्वायर बाय 12 तो ऐसे भी एम एल स्क्वायर बाय 12 है। ये देखो ना, ये रहा एक्सेस बीच में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 है। और सोचो अगर एक्सेस ये ले, अब आई का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एम एल स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि देखो ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, और ये एक्सेस पूरी रॉड के लिए टेंजेंट है, देख रहे हो? और टेंजेंट में क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आई की वैल्यू कैसे ली जाएगी इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैं अब पूछने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, आपके पास एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, चार स्फेयर हैं, हर का मास m है, और ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, मास m है, रेडियस r है। तो इसके अंदर इनके बीच में डिस्टेंसेज बता देता हूँ, सभी के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं वो a है और a है, पर इसका रेडियस r है, स्फीयर का अंदर का रेडियस r है, पर वैसे सेंटर के बीच में डिस्टेंस a है। क्वेश्चन है कि अगर एक्सिस ये एक्सिस है, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है चारों स्फीयर का, इस एक्सिस पे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इस रेड लाइन पे, उसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, चारों को ऐड करके टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं और एक एक करके आंसर देना, और एंड में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो। स्फीयर पहले डायग्राम बना लो प्लीज, एक बार बना लो डायग्राम, बना लो डायग्राम, बना लो। करें स्टार्ट, बोलो ये पहला स्फेयर है, बताओ एक एक करके बोलना है। जब मैं पहले स्फेयर की बात कर रहा हूं, बाकियों को नहीं देखना, ध्यान दो आगे। इस स्फेयर का एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो
तो ये स्फेयर यहां पर कितना आई कंट्रीब्यूट करेगा बोलो, 2/5 एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसका रेडियस आर है, ए तो दो स्फेयर के बीच में डिस्टेंस है, मेरे को तो आर चाहिए, ये रेडियस तो आर ही है ना, क्योंकि एक्सिस सेंटर से पास कर रहे हैं और स्फेयर के सेंटर के अबाउट मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड स्फेयर, सेकेंड स्फेयर के सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हैं तो सेकेंड स्फेयर भी क्या करेगा, इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा, तो सेकेंड स्फेयर का आंसर क्या होगा इसमें, 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? दोनों स्फेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तीसरे का, ये रहा तीसरा, तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस ये रेड कलर की लाइन है। अब ध्यान से, तुमने जब तीसरे स्फेयर से पूछा कि भाई तेरा क्या हिसाब है, इसने कहा देखो अगर तुम एक्सिस ये लेते हो मेरा, अगर तुम मेरे अंदर से एक्सिस पास करते हो तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे तो कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसे ही है। पर तुमने इसको कहा देख मैं तेरे इस एक्सिस पे तो आई निकालने, मेरे को तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो खामखा बताई जा रहा है, मेरे को तो इस एक्सिस पे आंसर निकालना है और तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे शिफ्ट करवाना है, एक्सिस शिफ्ट होएगा। अब एक्सिस शिफ्ट कैसे होते हैं, दो एक्सिस आपस में क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल, तो क्या लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में दोनों एक्सिस में दूरी कितनी है, ए, दोनों एक्सिस में दूरी ए है, तो फिर एक काम करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट वैल्यू कितनी है, 2/5 एम आर स्क्वायर, और दोनों एक्सिस में दूरी कितनी है, ए, एम ए स्क्वायर इसमें से ऐड हो जाएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझिए कैसे लगी, इस एक्सिस का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो होगा ही होगा इस एक्सिस पे, प्लस एम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इस स्फीयर ने यहां क्या कंट्रीब्यूट किया, 2/5 एम आर स्क्वायर, अपना तो किया ही किया, साथ में एम ए स्क्वायर और ऐड हो गया, कोई डाउट इसमें? फिर आखिरी आखिरी स्फीयर से पूछा, वो कहता है देखो जी मेरी भी सेम स्टोरी है, अगर तुम मेरा एक्सिस ये लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/5 एम आर स्क्वायर, पर मेरा एक्सिस तो ये है, तो यहां पर क्या आएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, इसे ऐड कर लेना, ऐड करके आई निकाल लेना आंसर है, ऐड कर लेना और आई निकाल लेना आंसर है। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कंट्रीब्यूशन है, जो तो एक्सिस बीच में से ही पास हो रहा है वो तो एज इट इज ही है, लेकिन जो एक्सिस दूर से पास हो रहा है और दो एक्सिस पैरेलल है, तो इस एक्सिस को इसके ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसे ऐड कर दो आंसर, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव शीट में आएगा, आपको होमवर्क मिलेगा, ऐड करके ऑप्शन मार्क करना है आपने। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक और क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई? ठीक है, करें। तो अगला क्वेश्चन है, सपोज आपके पास तीन रिंग्स है, ये पहली रिंग है, ये आपकी दूसरी रिंग है और ये आपकी तीसरी रिंग है, तीन रिंग्स हैं, हर रिंग का मास m है और रेडियस r है, एक्सिस यहां से पास हो रहा है ऐसे, ये इसका एक्सिस है, तो एक्सिस बिल्कुल सेंट्रल लाइन से पास हो रहा है, क्लियर है? ठीक, आपको क्या करना है, सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस ब्लू लाइन पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक्सिस ब्लू लाइन है, हर रिंग का देखो क्या कंट्रीब्यूशन है, तीनों रिंग्स का कंट्रीब्यूशन निकालो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चेक करता हूं, नहीं पता, आंसर नहीं बता रहा।
मतलब ही नहीं है वो फ्रैक्शन में, तो बोलो कुछ यार। देखो क्वेश्चन है, मैंने आंसर चेक नहीं किया, देखो चेक करता हूँ। पहले मुझे एक चीज़ का आंसर दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर ये रिंग है तो मुझे पहले ये आंसर दो, रिंग का अगर ये एक्सिस है इसका आई क्या है? 2mr2। अच्छा ये बताओ अगर रिंग का ये एक्सिस है फॉर्मूला क्या है, कैसे mr2? ये तो डायमीटर है रिंग का। mr2 तो तब होता है जब एक्सिस ऐसे एंटर करता है बीच में से, सेंट्रल एक्सिस, सेंटर एक्सिस में होता है mr2। ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर में क्या होगा? 1/2। भाई भूल मत जाना ये डायमीटर है, डायमीटर देखते हो ना। तो mr2 कब होता है? जब एक्सिस ऐसे पास करेगा सेंटर, राइट? क्लियर है? तो डायमीटर में हाफ mr2 है और इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये क्या बनेगा? हाफ mr2 प्लस mr2 यानी कि 3/2 mr2। कोई डाउट इसमें? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू टेंजेंट एक्सिस पे क्या आ रही है? 3/2 mr2। अब करें क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट रिंग से पूछो, पहली रिंग क्या कहेगी कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगी? 3/2 mr2, क्योंकि डायमीटर है और अगर एक्सिस यहां पर है तो 3/2 mr2। फिर ये रिंग से पूछो तू कितना कंट्रीब्यूट करेगी? ये कहती मैं भी इतना ही करूंगी क्योंकि मेरे लिए भी ये टेंजेंट है 3/2। देखो ना डायग्राम समझ में है ना, सेम डायग्राम है, जो इसका केस है वही इसका केस है। और लास्ट ये जो एक्सिस है इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा आखिरी रिंग का? आखिरी रिंग ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस नीली लाइन पे? ½ mr2। वो क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके लिए डायमीटर है, तो डायमीटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ½ mr2। ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा 7/2 mr2। अब बात बनेगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सही है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है। टॉर्क प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बुरा नहीं था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, पर ये जो टॉपिक है ये थोड़ा और ही तरीके का इंटरेस्टिंग है। सही है, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करो। लो यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है, फिर एक और क्वेश्चन करो। ये लो क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास एक रिंग है, आपके पास एक और रिंग है, दोनों रिंग का मास m है और रेडियस r है, और जो एक्सिस है ये एक्सिस है, सेंटर दोनों का कॉमन है, सेंटर कॉमन है, तो आपको क्या करना है? आपको इस एक्सिस पे दोनों रिंग का आई निकालना है। क्या होगा रिंग का आई? क्या होगा ये क्वेश्चन है। एक एक करके जरा कर लें डिस्कस। तो अगर रिंग नंबर वन ले, रिंग नंबर वन का कंट्रीब्यूशन ब्लू लाइन पे क्या होगा बताओ? आई का कंट्रीब्यूशन क्या होगा रिंग नंबर वन का? ½ mr2। क्यों? क्योंकि ये ब्लू लाइन क्या है इसकी? डायमीटर। अगर डायमीटर है तो ½ mr2 प्लस। अब ब्लू लाइन इस रिंग के लिए सेंट्रल एक्सेस है, सेंटर में से पास कर रहे हैं, और सेंटर में से पास कर रहे हैं तो सिर्फ mr2। तो आंसर क्या आएगा? 3/2 mr2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक के लिए वही एक्सिस डायमीटर है और दूसरे के लिए वही एक्सिस सेंट्रल एक्सिस है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्योंकि जब ये रिंग लेंगे तो एक्सिस ऐसे है mr2, जब ये रिंग लेंगे तो एक्सिस डायमीटर है। ये देखो जब ये वाली रिंग लेंगे वर्टिकल वाली ऐसी, तो ये डायमीटर है, जब ये रिंग लेंगे तो ये ½ mr2 ऐसे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपने अगर कर दिया बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही है, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा आपकी ऑब्जर्वेशन तो बुरी नहीं है, आप सही ऑब्जर्व कर लेते हो। दूसरे बैच में एक ही स्टूडेंट का ठीक हुआ था, बस देखते हैं आप में से शायद कोई कर पाए। तो ये लो सपोज आपके पास तीन रॉड्स हैं, ये लो 3 रॉड्स, थिन रॉड्स हैं, हर का मास एम है और लेंथ हर की एल है। क्वेश्चन है इस रॉड के
अंदर से एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, ये देखो ऐसे, ये एक्सिस है। आपको क्या बताना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये रॉड नंबर 1 है, ये रॉड नंबर 2 है और ये रॉड नंबर 3 है। तीनों रॉड यहां पर क्या कंट्रीब्यूट करेंगी, टोटल आए या आंसर निकालो एम और एल की फॉर्म में। ना, नेक्स्ट बोलते जाओ, जो आंसर आ रहा है मेरे से चेक करवाते जाओ, मैं बता दूंगा। ना, रूल वही है, रॉड नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन, रॉड नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन, रॉड नंबर 3 का कॉन्ट्री ऐड कर दो। ना ना, बोलते जाओ ना। सही है, सही है, सही बोले, बहुत जल्दी आ गया, 4/3 एम एल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। देखो जैसे भी किया मैंने कहा, लेकिन देखो ठीक है, मैंने जो करवाया मैं कुछ भी नया यूज नहीं करूंगा, पर हाँ ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी सी ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले इसमें ये 1 नंबर रॉड है, इस 1 नंबर रॉड ने इस एक्सिस पे बोलो क्या कंट्रीब्यूट करना है, जीरो। चलो रॉड नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन जीरो, खत्म करें रॉड नंबर 1, ठीक। रॉड नंबर 2 ने यहां पर क्या कंट्रीब्यूट करना है, एम एल स्क्वेयर बाय 3, क्योंकि इस रॉड के लिए ये एक्सिस टेंजेंट है। और आज मैंने आपको रॉड का करवाया कि अगर इस रॉड के लिए ये टेंजेंट है तो क्या आएगा, एम एल स्क्वेयर बाय 3। कोई डाउट इसमें? तो इस रॉड के लिए ये टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाई 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आखिरी रॉड। आखिरी रॉड से पूछा गया कि तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस डॉटेड लाइन पे, तो आखिरी रॉड कहती है देखो अगर तुम एक्सेस मेरे अंदर से पास करवाते, पूछा नहीं इससे, ऐसी बोली जा रही है, तो मेरा आंसर जीरो होता। पर मैंने कहा इसमें निकालना नहीं है मुझे, मुझे तो इसमें शिफ्ट करवाना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे दोनों के एक्सेस आपस में पैरेलल हैं, तो आप अप्लाई कर लेना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो ठीक है, कैसे करेंगे? अगर इसका, जैसे मैं अलग से फिगर बना रहा हूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग से फिगर बना रहा हूं, अगर मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इमेजिन करो, और एल डिस्टेंस दूर एक एक्सेस है जिसके ऊपर मुझे आई निकालना है, नया आई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहते हैं, जो नया आई होगा वो पुराना आई प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये रूल है। पर मुझे पता है कि इसका आई क्या आने वाला है, जीरो। तो फिर नया आई क्या आने वाला है, जीरो प्लस एम एल स्क्वायर, शिफ्ट करना आ गया। तो अगर इस एक्सेस का कॉन्ट्रीब्यूशन इस एक्सेस पे निकालना है तो 0 प्लस एम एल स्क्वायर कर देंगे। तो चलें इसमें, तो इस एक्सिस का क्या है, 0, और मेरे को तो इस एक्सिस का निकालना है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है रॉड का, एल। तो थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस के अकॉर्डिंगली 0 प्लस एम एल स्क्वायर ऐड करेंगे 4/3 एम एल स्क्वायर। ये रूल समझ में आ रहा है? तो ये रॉड क्या करेगी, पहले अपने एक्सिस का निकालेगी 0, फिर इस एक्सिस पे शिफ्ट करने के लिए 0 प्लस एम एल स्क्वायर आंसर। तो टोटल आंसर 4/3 एम एल स्क्वायर।